आज जो लव लस्ट लाइफ का जो लॉन्च है और अक्षय जी और प्रतिभा प्रियंका जी जो हमारे साथ हैं, जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, उस फिल्म को उनकी फिल्म है और मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि ईश्वर उनको बहुत बड़ी कामयाबी दे, आगे उनको सक्सेसफुल बनाए और मैनी मोर टू कम लाइक। हाँ जी, इसका स्क्रीनिंग हो रहा है। ये पत्थर के फूल एक ज़माने में बहुत पुरानी फिल्म थी जो आप लोगों ने देखी होगी और वो बड़ी लाजवाब फिल्म थी, तो मैं चाहती हूँ ये भी उसी तरह मील का पत्थर साबित हो और पत्थर के फूल को लोग इस रूप में याद करें कि एक बार पुरानी फिल्म लोगों के जहन में ताज़ा हो जाए। आप बताइए, आपकी पहली फिल्म है प्रोड्यूसर पत्थर के फूल, हाँ जी, क्या कहना चाहोगे, कैसे प्लानिंग हुई इसकी? लाइक वेल आई डोंट नो कि मैं कैसे कब लाइक स्टार्ट किया, कैसे हुआ ये सब कुछ। लाइक इट्स आई हैव नॉट डिसाइडेड टू स्टार्ट एंड एंटर इन दिस इंडस्ट्री, बट सम हाउ आई गेट इन टू दिस। सो अब बस घुस गए इधर, इट्स लाइक कि अच्छा ही करते हैं जो करते हैं। अब जो पत्थर के फूल, इट्स लाइक कि फर्स्ट मूवी है मेरा, अच्छा बना है जैसा बना है, बट अपनी चीज़ें सब अच्छी ही बोलते हैं, बट इन माई आईज इट्स अ गुड फिल्म। एंड नेक्स्ट वी आर डूइंग L3, लव लस्ट एंड लाइफ, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। आप बताएं अपने बारे में, पहली फिल्म है आपकी? जी, मेरी पहली फिल्म। मैं सीतामढ़ी से हूँ और मुजफ्फरपुर में रहता हूँ, और इनसे मुलाकात हुई थी 2017 या 2016 में। तो बोले थे कि चलो हम लोग काम करते हैं कुछ। इनके एक फ्रेंड थे अजीत सहगल, जो मेरे गुरुजी रह चुके हैं, वही रिकमेंड किए कि चलो इनको लेकर कुछ फिल्म बनाते हैं। उसी सिलसिले में मिले, फिर स्टार्ट हुई फिल्म। क्या तैयारी की आपने, साउथ स्टाइल का एक्शन है इसमें? बस जो था वो किए। एक्चुअली हम सिंगर रहते और भोजपुरी सिंगर थे, और क्या आप एक्टिंग में थे पहले से? लाइक आप सिंगिंग किए हुए थे, आप एक्टिंग में थे? सिंगिंग किए थे और एक्टिंग में मतलब रुचि थी। फिर बोले कि काम करते हैं एज ए हीरो फिल्म में, बोले ठीक है करते हैं। आपकी इंटरेस्ट थी सिंगर थे आप पहले? जी। इसमें कितने गाने दिए सर? मैं गाया नहीं इसमें, उस समय मेरा तबीयत नहीं सही था जब जिस समय गाना रिकॉर्डिंग चल रहा था। चलो, आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? L3 लव लस्ट एंड लाइफ। एंड उसमें आपको काफ़ी नोन फेसेस देखने को मिलेंगे। वेल अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी मैं करंटली इस पर डिसाइड कर रहा हूँ, एंड काफ़ी नॉन सेलिब्रिटीज से भी मेरी बात हुई है। वी विल क्लियर डेट आउट ऑन August 1st। नो, हिंदी। अब मेरी नेक्स्ट फिल्म जो भी होगी टोटली इट्स हिंदी, भोजपुरी जस्ट अ बिगिनिंग फॉर मी। एंट्री के लिए? या, इट्स जस्ट एंट्री। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, भोजपुरी फिल्म के अंदर आप किसे आदर्श मानते हैं, किस एक्टर को आदर्श मानते हैं? एक्टर रवि किशन। इसके अलावा आगे की और क्या प्लानिंग है कि पत्थर का फूल किया मैंने दे। इसके बाद फिर और कोई ऐसी कोई फिल्म जो है जिसके लिए आप शूट कर रहे हैं या उसकी तैयारी चल रही है? एक साइनिंग हुआ है, देहाती प्यार नाम है उसका, और वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है। कौन दिखेंगे आपके साथ इसमें, आपकी नायिका? अभी डिसाइड नहीं हुआ। आप अभी जितनी लगभग इंटरवल तक आपने फिल्म देखा है और आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए सप्लाई होल्डर, आप इस फिल्म के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार 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 सर, क्या बोलूँ, इनका नाम ही इस फिल्म का इतना हाईलाइट है कि बता नहीं सकता हूँ। पत्थर के फूल आप एकदम शॉकिंग है ऑडियंस के लिए, जनता के लिए और हम डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए। मैं अभी तक 150-200 फिल्में रिलीज कर चुका हूँ, मित्तल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, आप जानते होंगे और आप सब मिले हैं मुझसे। ये फिल्म भी करने का है, चल रहा है प्लान, अगर अच्छे ढंग से हुआ तो इसको भोजपुरी सेंटर जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ करने का है, और भाई साहब का आदेश है कि करना है तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और बहुत अच्छी फिल्म बनी है जहाँ तक मैं देखा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिल्म के कैरेक्टर जो हीरो हैं वो तो बहुत ही अच्छा, ऐसे देखिए तो लगते नहीं हैं, लेकिन स्क्रीन पे जो टेकिंग हुआ है उसका वो ज़बरदस्त है सर, वो तो एकदम
हाईलाइट है, और मेनली जो हीरोइन ने जो काम किया है उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। हाँ, लुक फॉर बोलना नहीं चाहिए, रेखा के जैसी लगती हैं वो, और अच्छा लगा मुझे, तो ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा मुझे ऐसा लगता है। और इसका प्रसाद भाई साहब को जाता है, इन्होंने भी बहुत पब्लिसिटी में किया है, और उम्मीद है कि ये और आगे करके और अच्छे से रिलीज करेंगे, है ना। विनोद जी, आप बताइए आपको कैसी फिल्म लगी? फिल्म अच्छी है, सब कुछ है फिल्म के अंदर, म्यूजिक है, एक्शन है, कॉमेडी है, तो एक जो इंटरटेनिंग फिल्म होनी चाहिए वो है, तो लोगों को मज़ा आएगा फिल्म देख के। तो इस फिल्म के बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि इसमें जो एक्टर हैं वो हमारे सीतामढ़ी से हैं, और मैं भी सीतामढ़ी से हूँ, और उसका एक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी फिल्म भी बहुत अच्छी है, उसका लोकेशन और जो जिसने भी डायरेक्शन किया है, डांस डायरेक्टर हो या फिर एक्शन डायरेक्शन हो, उस सबको मैं थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने सब ने अपना अपना मेहनत अच्छा किया है, और आगे इस फिल्म को मेरा आशीर्वाद है। देखिए आपने देख दिया, सबसे पहले अभी नवरात्रि खत्म हुआ है, कल ही 9 दिन का फास्टिंग में था, उपवास मेरा कम्प्लीट हुआ, रमजान तो अभी चल ही रहा है, और इस घड़ी में सबसे अच्छी फिल्म इस वक्त मुझे देखने को मिली पत्थर के फूल ना मैडम जी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इस फिल्म को अभी देख रहा था, फिल्म के लोकेशन बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, लिटरली गाने भी बहुत अच्छे हैं, और जितने कलाकार ने काम किया है सबने बहुत ही अच्छा काम किया है। देखिए कलाकार कोई भी हो, नया हो पुराना हो, अगर कोई भी कलाकार अपना 99% भी देता है तो बहुत बड़ी बात है। और एक ही ये है, आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने सारे फिल्मों को बहुत सारा प्यार दिया है भोजपुरी में, ये पत्थर के फूल आ रही है फिल्म, मैं खुद एक कलाकार हूँ, नाम का तो मोहताज नहीं हूँ आज के डेट में, खुद बोलता हूँ एडियम पावर हूँ मैं, सीना चौड़ा है मेरा भैया, ना थका हूँ ना कभी थकूँगा, क्योंकि कभी मुझे किसी ने मैसेंजर पे फेसबुक पे लिखा भी था कि भैया आप एडियम पावर लिखते काहे हैं, तो मैं बोला भैया एक बार कभी आजमा के देख लीजिए हिंदुस्तान के किसी कोने में, बोलता नहीं भैया हमको मालूम पड़ गया है, तो बोलता भैया इसका फुल फॉर्म क्या है, हमने ए फॉर आनंद, डी फॉर देव और एम फॉर मिश्रा, तो आनंद देव मिश्रा एडियम पावर, बोलता अच्छा ऐसा है क्या, तो बोलते छोड़िए वो सब बात की बात है, ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है जो हम लोग देख रहे हैं, क्या मैडम, क्या मैडम, सही बात है ना, सही फिल्म अच्छी बनी नो डाउट, और रमजान और नवरात्रि के टाइम पे फिल्म देखने को मिल रही है हम लोग को, तो आप लोग सिनेमा हॉल में जोर जाके देखिएगा फिल्म को, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा फिल्म के जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनको प्यार दीजिए, इनके जो डायरेक्टर साहब हैं उनको प्यार दीजिए, कैमरामैन दादा, म्यूजिक दादा, म्यूजिक बहुत प्यारा है, लिटरली म्यूजिक बहुत प्यारा है। जी मैम, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, जिस हिसाब से आनंद जी ने बताया म्यूजिक बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, म्यूजिक अच्छा है उनके, और वो सब मैं ये सोच रही हूँ यदि मैं भी वो कर सकती थी। एनीवे, पत्थर के फूल बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने ऐसा यकीन नहीं किया क्योंकि वो लड़का इतना अच्छा किरदार करेगा, उसने बहुत ही अच्छा किया है, सरवन अच्छा काम, सरवन ने उसने बहुत अच्छा काम किया है, एंड निर्माता निर्देशक और जितने भी हैं उन यूनिट में, मैं उन मेरे तरफ से ही नहीं बट इट्स गॉड्स ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ देम। ओके जी मैम, आप क्या कुछ बोलेंगे? मैंने एक्चुअली लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने भोजपुरी मूवीज़ देखा रहेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी म्यूज़िक, उसके सॉन्ग्स, उनके लव्स जो भी पॉइंट्स थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब अगर कोई किड्स भी देखेगा, छोटे बच्चे भी देखेंगे तो हैप्पीनेस फील करेंगे, फैमिली के लिए तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या खास अच्छा लगा? उसमें लव स्टोरी भी है और प्लस उसमें ऐसे कोई भी पॉइंट्स नहीं है कि जिससे किसी को प्रॉब्लम हो सकती है कि हाँ मैंने ये गलत किया है तो बच्चे लोग नहीं देख सकते या फैमिली नहीं देख सकती, बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सर। सर क्या कुछ कहेंगे सर, पहले तो फिल्म देख रहे हैं आप पत्थर के फूल, देखा ना? सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करता हूँ, दिल से सलाम आदाब करता हूँ, बहुत खुश हूँ मैं ये फिल्म देख के, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं भोजपुरी फिल्म देख रहा हूँ पहली बार,
और दूसरी बात ये हमारे जो साउथ का इसमें टेस्ट, मतलब वो सीनरीज हैं, लोकेशंस हैं, साउथ जैसे लोकेशन लगे, और हीरो हीरोइन का जो भी है एक्टिंग ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से भोजपुर में और साफ सुथरे फिल्म बने और सब फैमिली के साथ बैठकर इसको देखे। ये फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है। क्या कुछ कहेंगे सर फिल्म के बारे में, फिल्म देखिए आप देख रहे हैं क्या? जी सर, फिल्म बहुत अच्छी है और पूरी टीम सर फिल्म बहुत अच्छी बनी है। पत्थर के फूल की पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, और ऐसे ही काम करते रहिए। अच्छी फिल्म है सर। ये एक्टर वाह, अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, फिल्म देखी नहीं है, बहुत अच्छी है, एक्शन भी है, रोमांस भी है, गाने भी अच्छे हैं, लोकेशन भी अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। आप क्या करें कुछ कर रहे हैं जैसे गीत या डायरेक्टर है उनके साथ में फिल्म कर रहा हूँ ये क्रिएटिव में। कौन सी फिल्म कर रहे हैं? ट्रिपल ए। ट्रिपल ए जी सर। और सर आप? सर मैं एक्टर हूँ, मैंने नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज़ की है दोनाली, जिसके डायरेक्टर हैं ही निवास जी, जिन्होंने शूल फिल्म बनाई थी, तो वो मैंने की है बस। सभी क्या हो क्या रहा है अभी सर? मेरी अगले महीने एक वेब सीरीज़ रिलीज़ है दी मिराज करके, जिसके डायरेक्टर हैं संजीव चड्ढा जी। बाकी एक दो और प्रोजेक्ट्स लाइनअप हैं, बट उसको के बारे में बताना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी सर, तो बस अभी यही चल रहा है सर।